तो दोस्तों ये है गुवाहाटी उदयपुर समर स्पेशल रेल सेवा, जिसको कि गुवाहाटी से और उदयपुर के बीच में चलाया जा रहा है। नंबर है इसका 05616, जिसको कि वाया कामाख्या, न्यू जलपाईगुड़ी और छपरा, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आगरा के रास्ते और जयपुर अजमेर के रास्ते उदयपुर के लिए चलाया गया है। दिनांक 28 मई से 25 जून तक इसको चलाया गया है। प्रत्येक रविवार को गुवाहाटी से ये चलती है शाम के 6:15 पे, और बीच की आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। इन इन स्टेशनों पे रुकते हुए मंगलवार को दिन में 1:05 पे पहुंचने का टाइम था इसका जयपुर, और रात के 9:05 पे इसका उदयपुर पहुंचने का टाइम था। हालांकि पिछली बार ये जो है 12 घंटे से भी ज़्यादा लेट चल रही थी, और कम यात्री भार के चलते इसको अजमेर और उदयपुर के बीच में रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज ये पूरे उदयपुर तक जा रही है, और आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल पैक है। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें एक भी स्लीपर का डिब्बा नहीं है, केवल इसमें 2 जनरल कोचेज हैं, और उसके बाद सारे के सारे जो डिब्बे हैं वो इसमें 3rd AC इकोनॉमिक कोचेज लगा रखे हैं, जिनका कि किराया है जो 3rd AC से थोड़ा कम होता है, यानी स्लीपर और AC के बीच के ये डिब्बे आप इनको मान सकते हो। आई तो ये आज भी 10 घंटे लेट है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये पूरी आज पैक होके आई है। AC और जनरल दोनों ही डिब्बे इसके जो है अच्छी तरीके से भरे हुए हैं। तो वैसे तो इसको 28 जून तक ही चलाया जा रहा है, लेकिन अगर यात्री भार देखते हुए इस गाड़ी ने रेस्पॉन्स अच्छा दिया तो हो सकता है इसको कुछ महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर हो सकता है रेलवे ने चाहा तो इसको परमानेंट भी कर दिया जाए। बाकी अभी समर स्पेशल के नाम पर खूब सारी गाड़ियाँ इस रूट पे चलाई जा रही है, आगरा बांदीकुई वाले रूट पे। तो जो भी गाड़ियाँ चलती है इस रूट पे, उसके वीडियो के साथ आपको मैं हर वीडियो के साथ आपको मैं मिलूँगा मेरे चैनल पर।